नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। गंजवासोगा से खबर हमारे पास आ रही है, जहां शराब के ठेकेदार घर घर देसी शराब बिकवा रहे हैं। जी हां, इनों शराब के ठेकेदार ग्रामीणों को लालच देकर उनके द्वारा घर घर देसी शराब बेचने का कार्य करवा रहे हैं। सोमवार को आबकारी पुलिस ने त्योंदा तहसील के एक गांव से एक महिला के घर से जमीन में गड्ढा खोद कर रखी हुई शराब को जब्त किया है। आबकारी पुलिस का कहना है कि ठेकेदार पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि वासोदा तहसील के अंतर्गत कई गांवों में अवैध तरीके से देसी शराब का व्यापार आजकल जोरों पर चल रहा है। इसको लेकर स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भी पहले स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने शराब का ठेका लिया है, वह लोग अपना माल खपाने के लिए ग्रामीणों को सस्ते दामों में शराब देकर घर घर शराब बिकवा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही शराब की एक दुकान से स्कूली बच्चे को शराब लेने का मामला सामने आया था। इस मामले में संबंधित पर कार्रवाई की गई। वहीं सोमवार को आबकारी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक गाँव में पहुंचकर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। इस दौरान आबकारी पुलिस ने एक महिला के घर दबिश दी और महिला से कड़ी पूछताछ की। उक्त महिला के घर के पीछे जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर खाली तेल के पीपे में देसी शराब जब्त की गई। आबकारी पुलिस के अनुसार उक्त महिला के पास से 50 देसी क्वार्टर जब्त किए गए हैं, जबकि महिला का कहना है कि वह पिछले 2-3 साल से शराब बेचने का काम कर रही है और उसको शराब ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं गंजवासोदा आबकारी अधिकारी महेश विश्वकर्मा का कहना है कि महिला द्वारा कहा गया है कि यदि उसे शराब ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो उन्होंने कहा कि महिला और ठेकेदार पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस मामले में क्षेत्रीय विधायक लीना जैन का कहना है कि पिछले दिनों से हमारे द्वारा क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब के धंधे को बंद कराने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। बताया कि करीब एक महीने पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उसके बाद उन्होंने भी स्थानीय प्रशासन को शराब का धंधा बंद कराने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में अवैध धंधा पूरी तरह से बंद हो। वहीं इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेंद्र रंगवंशी का कहना है कि शराब बिक्री के लिए सरकार ने लाइसेंस दिए, लेकिन कोई भी ठेकेदार घर घर जाकर शराब नहीं बेच सकता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि इस संबंध में वह अधिकारियों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। त्योंदा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे की एक रिपोर्ट के खिलाफ। हाँ जी, अभी ठेकेदार से अभी जो सामने विक्रेता मिला है हमारे लिए, उसके विरुद्ध हमने आपका इसके तहत कार्रवाई की है और इसको हम विवेचना में लिया है और इसके संबंध में जो उसमें बयान में बताई है बात ठेकेदार की, तो हम उसके ठेकेदार को तलब करेंगे उस संबंध में बात। मुझे भी अभी अभी जानकारी मिली है कि इस तरीके का वहाँ पे जो शराब की दुकान के ठेकेदार हैं, उन्होंने देसी दारू बिकवाते हुए वो महिला को पकड़ा है पुलिस ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, अवैध शराब गांव में बहुत ज़्यादा बिक्री चल रही है और शराब ही नहीं, नशे का सामान भी। और मैंने इसका ज्ञापन भी दिया था कई बार, इसको मैं प्रशासन को भी अवगत करा चुकी हूँ, मैं कई बार कलेक्टर साहब को भी बोल चुकी हूँ कि हमारे क्षेत्र में गाँव में जो ये शराब है वो अवैध रूप से बिक्री चल रही है और अगर प्रशासन इस पे सख्त नहीं हुई तो इसके चुंगुल में छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि एक बेटा शराब की दुकान पे शराब लेते हुए देखा गया स्कूल की ड्रेस में। आपके द्वारा पूरा मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है और ये बिल्कुल ही अक्षम अपराध है कि आज किसी के घरों में से ये दारू की बिक्री हो रही है, क्योंकि सरकार कोई भी लाइसेंस किसी दुकान के लिए बेचने के लिए देती है, ना कि यहाँ व्यक्तिगत अपने अपने घरों में बेचने के लिए। और अगर इस संबंध में जो भी अपराधी हैं, जो भी इस संबंध में दोषी हैं, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के संगठन के प्रभारी सारे लोग इस संबंध में एक हैं कि कहीं भी अवैध शराब बिक्री ना हो और इस तरह के अपराधों में जो हो रहा है उनको रोक लगाया जाए।